सर डुमरी उपचुनाव के लिए आए, लेकिन यहाँ पे जो गठबंधन के हैं कांग्रेस और जेएमएम के, ये लोग बोल रहे हैं कि आप बीजेपी को जिताने के लिए आए, आज बीजेपी उम्मीदवार। ये तो पुराना इनका रिकॉर्ड है, वही गाना बजाते रहते हैं। इतने सीटों पर बीजेपी जीत गई जहाँ पर हम नहीं लड़े, तो फिर उस पर क्या बोलेंगे, वो मिले हुए थे क्या बीजेपी से? बोल रहे कि 2019 के बाद जो है झारखंड में कहीं भी मुसलमानों का लिंचिंग नहीं हुआ, पहले 19 से पहले लिंचिंग होता था। अब आप बोल दीजिए, 15 लिंचिंग हुई है जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, टोटल 40 लिंचिंग हुई जिसमें 23 की मौत हुई, 17 इंजर्ड हुए। ये बिल्कुल बेसलेस है। जो एलपीजी सिलेंडर के दाम कम किए गए हैं, उज्ज्वला योजना पे 400 रुपए और नॉर्मल एलपीजी सिलेंडर्स के 200 रुपए का दाम कम किया गया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है, ये रक्षाबंधन पूछ रहे तो पूछ लेते हैं, तो ये रक्षाबंधन का तोहफा है बहन? नहीं, ये नाकाफी है और कमी करनी चाहिए। जो कमी का दावा कर रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, वो आज ही एक गरीब के लिए बहुत महंगी चीज़ है। पेट्रोल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, डीजल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, और G20 के लिए करीब 3,500-4,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। अगर वही पैसा गैस सिलेंडर में दिया जाता तो गैस सिलेंडर 300 रुपये में आ जाता। ये बहुत आज भी कीमतें ज़्यादा है। मैं नहीं समझता कि इससे कुछ गरीबों को फायदा हो। सर, इंडिया गठबंधन पर क्या बोलेंगे सर? 31 को बैठक है, एक इंडिया गठबंधन तो आप उसके हिस्से हैं? हम नहीं है ना उसमें, आपको तो पता है, आप इतने ज्ञानी आदमी हैं, क्यों पूछ रहे हैं उनसे? क्या हिंसा हुई नू में, हरियाणा नू में जो हिंसा हुई, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? मैंने मीडिया से पब्लिकली स्टेटमेंट दिया है कि ये जो घरों को तोड़ा गया, बिल्डिंग्स को तोड़ा गया, जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों के घर थे, दुकानें थी उनका, मेडिकल शॉप्स थे, ये कलेक्टिव पनिशमेंट दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का जो ड्यू प्रोसेस की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी, अगर ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए, उसको तोड़ दिया। लोगों के पास परमिशन भी है, कागजात भी है। एक घर को तो तोड़ दिया जिसने हिंदू भाइयों को पनाह दी थी, उसका घर भी तोड़ दिया। तो ये कलेक्टिव पनिशमेंट हरियाणा की सरकार ने वहाँ के मुसलमानों को दिया है। और जो लोग ने उस पहली यात्रा के पहले जो वीडियो जारी किया था, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया गया।